का पतंग का निशान गन्ना किसान, घोड़े का निशान गन्ना किसान, आप कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारी विधानसभा में हो रहे आतंक अत्याचार के खिलाफ ये चुनाव है। और ये प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा, विधानसभा की सर्व समाज मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैंने कहा था कि तुझे महात्मा वाला जन्म ले चुका है, जिस जंग को मैं 4 साल से लड़ रहा हूँ और रात दिन मेरे जैसे हजारों लोग गए हैं, कई कार्यकर्ताओं की चिंताएं चुकी है। तो आज जो विधायक महोदय 20 सालों से राज कर रहे हैं, एक गांव में जाकर पूछ रहे कि क्यों इस गांव का नाम क्या है, पतंग का निशान गरो अमृत का निशान गन्ना किसान वाड़ा। महिपुर विधानसभा के मेरे आशीर्वाद दाता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, माता बहनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और युवा साथियों से विशेष निवेदन करता हूँ कि ये चुनाव ये भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारी विधानसभा में हो रहे आतंक अत्याचार के खिलाफ ये चुनाव है। और ये प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस विधानसभा की सर्व समाज मिलकर चुनाव लड़ रही है। और सर्व समाज के युवा खुद प्रताप सिंह आर्य बन के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और मैंने एक बात याद आई, मैंने कहा था कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और आज योग संयोग देखो, माता देवकी की भगवान कृष्ण कौन सी संतान थी, कौन सी, और आज जो अपना निशान है उसका नंबर कौन सा है। तो आप सबको कृष्ण बन के कंस का अंत करना है कि नहीं, तो हम सबको मिलकर इस आतंक अत्याचारी इस कलयुग के कंस का अंत करना है। सर्व समाज के लोगों ने मिलकर बैठक की और बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी ने महिपुर विधानसभा में एक भी कार्यकर्ता ऐसा पैदा नहीं किया जो उसको टिकट दे दे। अरे इसको भी दे दे पर गुण लक्षण तो होने चाहिए। शुगर मिल की जमीन बेच के खाए 700 लोगों को रोजगार मिलता था। जब महिपुर का मेला लगता था उस जमीन की ने कॉलोनी काट दी और यहाँ तक कि ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। झारडा राम मंदिर की जमीन का कब्जा किसका है, वेयर हाउस के सामने जमीन और वेयर हाउस वाले का कब्जा है कि नहीं, तो इनका कब्जा छुड़ाना चाहिए कि नहीं, बाहुबलिया पूछ लेना, नहीं आया क्या? ये झूठ और लफड़े की दुकान लगा रखी है जो इतने बड़े पद पर बैठकर 20 सालों से लोग को इस कान से क्या बोलता है और उस कान से क्या बोलता है। मेरे तो आप लोगों पर ताज्जुब होता है कि एक बार झूठ को आप मान लेते हो, दो बार मान लेते हो, जो व्यक्ति 10 बार झूठ बोले उसको कैसे मान लेते हो। मैं बात संवाद कर रहा हूँ ग्रामीण जनों से, मैंने पूछा कि क्यों आपको तो पानी की तो कोई कमी नहीं होगी, आपके तो डैम बना हो,
अरे उनने बोला कि कौन सा डैम भाई, कहाँ है डैम यहाँ पे? मैंने कहा उधर तो गले फाड़ फाड़ के ना वो गाड़ियां घूम रही प्रचार कर रहे कि रानीपुरा डैम बनाया। उनने बोला कि सुन तो हम भी रहे थे, बच्चे छोटे छोटे थे जबकि शादी हो गई इनकी, पर अभी तक डैम नहीं बना। एक घटना मेरे सामने आई महितपुर नगर में, वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में गया और वहां मुझे गुरुजी खड्डे दिखे, दो चार पांच खड्डे खुदवा रखे और चार सीमेंट की ठेली डाल रखी मंदिर के सामने। मैंने कहा कि ये क्या है भाई? तो उनने बड़ी ताज्जुब की बात करी, उनने कहा कि ये क्या होता है कि ये विधायक जी ने खड्डे खुदवाए धर्मशाला के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है, ये गड्ढे तीसरी बार खुदे हैं। चुनाव आता है और गड्ढे खुदवा देते हैं, चुनाव जीतते हैं और फिर लेवल करा देते हैं। ऐसी राजनीति चल रही है, इसलिए हमको सतर्क होना है, हमको सावधान होना है। जिन लोगों ने रात दिन एक कर दी और हजार 1200 लोग फॉर्म नामांकन जमा करने आए, और मैं ना कोई दबाव ना प्रभाव ना किसी प्रकार का पैसा, लेकिन 5-7 हजार जिसका नामांकन दाखिल करवाता है वो क्या इसका समर्थन करेंगे? मैं तो समर्थन भी नहीं करूं और इनका समर्थन भी नहीं लूं। जिस जंग को मैं 4 साल से लड़ रहा हूं और रात दिन मेरे जैसे हजारों लोग जेल में गए हैं, कई कार्यकर्ताओं की दुकानें टूटी है, कई व्यापारी बंधुओं के धंधे बंद हुए हैं और कई पे आतंक अत्याचार हुए हैं। मैं सर्व समाज का उदाहरण दे सकता हूं, 1000 लोगों की मेरे पास डायरी है, किन किन लोगों को परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, किन किन लोगों को इसने जेल में भेजा है, कैसे व्यापारियों को परेशान किया है, कैसे व्यापारियों से कमीशन मांगते हैं। और एक वीडियो आया होगा आपके पास, रोल कला गांव का आया था क्या? नेताजी को धक्के मार के बाहर कर रहे लोग आया था, बोले कि क्यों आपको कमीशन भी 30% चाहिए, थोड़े बहुत भी कम नहीं चाहिए, और पेटी भी भूल चाहिए, या तो पेटी ले लो या कमीशन ले लो। वहां से नेताजी चलते भी नहीं, और जब तीसरे दिन में गया, मुझे जाना तो 6 बजे था लेकिन मैं 9:30 बजे गया, पूरा गांव का गांव खड़ा, और जेसीपी से गन्ने गन्ने से तोल के स्वागत किया, सम्मान किया, नमन करता हूं ऐसे लोगों को। उनको उनके पैसे पे अभिमान है, उनके पैसे का घमंड कर रहे हैं वो कि हम वोट खरीद लेंगे चाहे कितने भी पैसे लग जाए, उनको उनके धन बल पर अभिमान है और मुझे मेरे जनता जनार्दन पर अभिमान है, आप लोगों पर अभिमान है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मणिपुर की विधानसभा का आज मेरे उच्च अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, उनने बताया है कि संभाग में यदि सबसे बड़ी कोई रैली निकली है तो वो महितपुर विधानसभा में निर्दलीय के पक्ष में निकली। जो आज जो विधायक महोदय 20 सालों से राज कर रहे, एक गांव में जाके पूछ रहे कि क्यों इस गांव का नाम क्या है, ढावला वेणी गांव में उन्हें खड़े रहकर बोले कि क्यों इस गांव का नाम क्या है, तो लोग अचंभित हो गए, ताजुब करने लग गए। आप लोग विचार करो कि जो 20 सालों से लोगों को ठगरा है वोट के नाम पे, पार्टी के नाम पे, और उसको पता नहीं गांव का नाम क्या है, वो क्या खाद विकास करेगा? जिस आदमी ने समय हमारा आचार संहिता का पूरा होने वाला है, लेकिन केवल रैली निकालने से चुनाव हम नहीं जीते हैं, चुनाव तो अब शुरू होगा आज से। और आपने जिस प्रकार से नाकाबंदी जिला पंचायत में करी थी, पूरी विधानसभा के मेरे आशीर्वाददाता कार्यकर्ता बंधुओं, आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आज से आप अपनी अपनी पोलिंग अपने अपने गांव के चौकीदार बन जाओ, जो गांव में आता है उसकी रेकी करो, कोई पैसे का प्रलोभन देता हो तो चुनाव आयोग को शिकायत करो या मेरे कार्यालय पे फोन लगाओ। आप ये पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, पार्टी को टिकट देना चाहिए थी, और यदि तुम्हें टिकट देती तो इस जिले में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली टिकट महितपुर विधानसभा की। आज खोल वोट दे रहा है,
केवल थोड़े से लोग, थोड़े से गांव हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं कई रिश्तेदारी के नाम पे, कई सामाजिक के नाम पर। लेकिन मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग बनबना जाके पूछ लेना कि लोग किनको वोट दे रहे हैं। लसुलडा गोयल से बेलाखेड़ा, बेलाखेड़ा से पेटलावट, पेटलावट से झांझाखेड़ी, झांझाखेड़ी से डूंगरखेड़ा तक पूछ लेना, पिपलिया हरदी तक पूछ लेना, मयूरपुर नगर में जाके पूछ लेना, आप खेड़ा खजूरिया में जाके पूछ लेना, आप झाडा में आके पूछ लेना। लेकिन आपको एक ही बात आएगी कि वो लोग यदि मुझे वोट दे रहे हैं तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप सब गन्ना किसान पर वोट दें। हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी। आपसे मैं एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये माता बहनों को बरगला रहे हैं गांव गांव जाके कि ये आपका लाडली बहना का पैसा अगर इनको वोट नहीं दिया तो वो पैसा बंद हो जाएगा। आप लोग समझाना, आप घर घर जाके समझाना, उनसे निवेदन करना कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं, सरकार ने योजना बना दी है, उन पैसों को कोई बंद नहीं कर सकता है, आपके पैसों को कोई काट नहीं सकता है, आपका पैसा आपका है, दूसरे का नहीं है। ये बात आप सबको बताना है। अंत में एक बात और निवेदन कर रहा हूं कि हम सबका निशान, अपना निशान, अब आप सब स्वयं प्रताप सिंह बनके चुनाव लड़ रहे हो आज से। आप गांव गांव घर घर, आपके लिए आपकी विधानसभा अपना गांव है, अपनी पोली है। अच्छा, मैं 264 गांव में चुनाव लड़ रहा हूं, क्या आप लोग एक एक गांव में लड़ सकते हो? लड़ सकते हो? तो अपने अपने गांव का चुनाव आपको ही लड़ना है। और एक बात मैं बता देता हूं, जिस व्यक्ति ने 20 सालों में किसी की खबर नहीं ली, किसी का सहयोग नहीं किया, किसी को सम्मान नहीं दिया, और ये झूठे लोग, इनने क्या करा, ठेका दे दिया है अपने एक एक गांव का, और किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं किया। एक बात बता दूं, जब कोरोना में पूरे देश के नेता राशन बांट रहे थे, अपने नेता के हाथ में किसी ने खेली देखी और बताना मेरे को, बिस्कुट के पूरे लेके है, फोटो है क्या बिस्कुट के पूरे देते हुए, किसी का सहयोग तो नहीं किया। लेकिन वो मास्क जो जनपद में आए थे उससे कमीशन मांग रहे थे कि वो मेरा कमीशन बनता है, मास्क मांगते वाले से। ये सच्चाई है। और मेरे लिए ऊपर ईश्वर और नीचे ये जनता जनार्दन है, आप लोग हो। बात कर रहा था उन ठेकेदारों की, उन्होंने सब गांव के ठेके ले रखे हैं कि यहाँ का ठेका जिताने का मेरा हवा में बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि, और जो बोले अपने गांव में कि ये तो एक ही विकास पुरुष भीमा किंग, इनके जैसा तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था ना होगा, और ये तो अच्छा रहा कि जन्म ले लिया इनने, वरना अपना तो क्या होता, सत्यानाश हो जाता। ये अगर ऐसी बखान करे किसी गांव में आके तो समझ लेना कि अपने गांव का ठेका इसने लिया। ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पे हम देंगे। और आखिरी में एक बात, अच्छा वो दरबार व्याज याद दिलवा दी, हम जब गांव में प्रचार करने जाते हैं, ये तो पिछली बार रैली में इनने पेट्रोल पंप बंद कराए थे, मालूम है ना आपको, फिर हमने यहां बोला था तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब इनने क्या करा कि जैसे ही मैं गांव में जाते हैं हम प्रचार करने, श्याम सिंह दरबार सिंह और मनोहर दिया और सब लोग, गांव में प्रवेश होते ही लाइट कट जाती, लाइट बंद। अब जब हम बाहर आते हैं लाइट चालू, तो चार जगह हुए। अब मैंने कहा कि ये तो ये इसको भय हो गया कि जहां हम जा रहे हैं, और वो एक गांव का वीडियो देखा होगा, कुत्ता चल रहा है, तीन चार लोग चल रहे, और उसी गांव में श्याम सिंह और हम गए थे तो 50-60 लोग थे। अब इनको भय हो गया कि जान जान जाते हैं, सर्व समाज मिलकर खड़ी है। मैं किटिया में गया था भाई, पदम सिंह जी अभी बोल रहे थे, एक अद्भुत प्रश्न मेरे दिल में घर कर गया। वो शब्द ये था कि पदम सिंह जी ने बोला कि आज पहली बार ऐसा हुआ है किटिया के अंदर कि सर्व समाज मिलकर एक व्यक्ति के कारण आज एक मंच पे आ गई है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती।
आज मैं अभिभूत हो गया हूँ एक मेरे छोटे से कार्यकर्ता प्रताप सिंह के लिए, और एक गांव का संभाव सद्भाव हो जाए, सब लोग एक साथ में बैठ जाए और सब मिलकर काम करे, इससे बड़ा और कोई विकास नहीं हो सकता। हमको हर गांव की पोलिंग जीतना, हमारा बूथ, हमारा बूथ, हमारा बूथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना निशान, अपना निशान, विकास का निशान, युवाओं का निशान, रोजगार का निशान। बहुत बहुत धन्यवाद।